सी कंपनी। ए रेती सीमेंट, अगर बिना बात सुने फोन काटा ना तो मिट्टी में मिला दूंगा। हाँ हाँ बोल 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 बोल। और कान खोल कर सुन ले, अगर अपनी भलाई चाहता है तो। देखिए भाई, दरअसल आप शायद जानते नहीं है, गजलुर रहमान नाम तो सुना ही होगा आपने। दरअसल गजलू भैया हमारे फैमिली फ्रेंड है, अगर उनको पता चला ना तो। एक मिनट, ये तो हमें गजलू की राख दे रहा है क्या? हेलो, फोन रख दे। कमाल है, फिर किसी गैंग से फोन था, गजलू रहमान का नाम सुनते ही फोन काट दिया। भगवान गजलू भैया को लंबी उम्र दे। सी कंपनी से पंगा, तेरी माँ का। कैसा रहा? क्या रैपचिक शॉट दिया डूड, है ना? एकदम रियल काका, एकदम रियल। सी कंपनी से पंगा, तेरी माँ का। हेलो, सी कंपनी से बोल रहा हूँ। कल तेरे एक फैमिली फ्रेंड का चौथा है, डीबीटी में जिसका गला काटा है वो गजलुर रहमान है। अगर 1 करोड़ नहीं दिए तो तेरा भी यही हाल। नहीं नहीं भाई, मैं देने के लिए तैयार हूँ ना, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। सुन, पैसा देने को तैयार है लेकिन समय मांग रहा है। अगले महीने की 30 तारीख से पहले पैसे किसी भी हालत में मिल जाने चाहिए। 30 तारीख से पहले, अगले महीने की 30 तारीख से पहले पैसे मिल जाने चाहिए, नहीं तो वहाँ महीना खत्म, यहाँ तू खत्म। किसका फोन था? सी कंपनी का। बाबा बाबा बाबा, सी कंपनी का फोन था, उन्होंने मेरे से 1 करोड़ रुपए मांगा है, उन्होंने आपके गजलुर रहमान को मार दिया। गजलू को मार दिया? हाँ। आपके पहचान का कोई और है क्या? इस मामले में तुमसे अच्छी सलाह और कौन दे सकता है, इसीलिए इसे यहां ले आया। देखो कितनी बेरहमी से मारा है, 1 करोड़ नहीं दिया तो इसका भी यही हाल करेंगे, ऐसी धमकी दी है। अरे ये सी कंपनी, इसका तो पहले कभी नाम भी नहीं सुना है। गजलुर रहमान का सुना था? नहीं। फिर देखो, मैं तो ये एडवाइस दूंगा कि इन लोगों की धमकी बिल्कुल लाइटली नहीं लेनी चाहिए। ये लोग बहुत खतरनाक हैं, हाँ? दे मीन बिजनेस। 30 तारीख से जितना पहले हो सके पैसे दे देना और अपनी जान छुड़ा लेना बॉस। अक्की ठीक कह रहा है। देखो बेटा, सर सलामत तो पगड़ी 50। लगता है 1 करोड़ तो अभी देना ही पड़ेगा। दोस्तों, आज का जाम खोखे के नाम। चीयर्स। अरे यार, तू इस रिंग टोन को चेंज क्यों नहीं करता? ऐसा लगता है जैसे बॉर्डर पर सो रहे हैं। यार ये फोन जेपी दत्ता से खरीदा था क्या? बॉस का है? हेलो हेलो अक्षय। यस सर। अपनी ब्रेकिंग न्यूज देखी क्या? नहीं सर। अरे जल्दी देखना, हंगामा हो गया, हंगामा, अपने टीआरपी आसमान को छू रही है, वी आर रॉकिंग, जल्दी देख यार। कौन लोग हैं इस गैंग के पीछे जिसका नाम सी कंपनी बताया जा रहा है? डीवीडी में जिस शख्स का गला काट दिया गया है वो कौन है? बेरहमी से किए गए इस कत्ल का क्या मकसद हो सकता है? कहीं मुंबई शहर में अपनी दहशत फैलाने के इरादे से तो ये सी कंपनी नहीं आई? सवाल तो कई उठ रहे हैं, जवाब एक भी नहीं। इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर जो दृश्य देख रहे हैं वो इसी डीवीडी से लिया गया है। I don't believe this. ये तो बहुत लाउड सीन हो गया डूड। लेकिन ये डीवीडी इस तरह ऑफिस में क्यों छोड़ी?
अरे पुरुषोत्तम पैसे देने को क्या तैयार हो गया? मैं वो डीवीडी उधर ही भूल गया। शिट 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 यार, बहुत बड़ा लोचा हो गया डूड। अरे एक्सटॉर्शन तो छोड़ो, अब तो मर्डर के लिए भी जेल में जमा हो सकते हैं। लगता है बाकी की जिंदगी भी सरकार ही ख्याल रखेगी। काका ये मेलो ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सोचो हमारी कंपनी के करियर के लिए फ्री में पब्लिसिटी हो रही है। उधर लोग लाखों रुपए खर्चा करते हैं। अरे क्या लंबोदर तुम भी, घबराने की जरूरत नहीं है। सी कंपनी के पीछे कौन है हमें छोड़कर किसी को मालूम नहीं है। और फिर मीडिया की तो आदत है, दो दिन बाद को उछालेगी उसके बाद भूल जाएगी, और वैसे भी 29 तारीख में अभी देर है। हाँ लेकिन पुलिस तो नहीं भूलेगी ना, उधर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और हम तक। एक मिनट, मेरे को तो अभी से पुलिस का सायरन सुनाई दे रहा है। सायरन तो मुझे भी सुनाई दे रहा है। चावले साहब आप? बहुत बड़ा मैटर हो गया रे, बहुत बड़ा मैटर। तेरे से जरा पूछताछ करनी है सी कंपनी के बारे में। ये कौन है? वो मेरी बिल्डिंग में ही रहते हैं। लेकिन चावले साहब वो सुबह से 10 फोन आ चुके दत्तू भाई के, जल्दी पता लगा है सी कंपनी कौन है? टीवी पे न्यूज देखी ना? हाँ। न्यूज देखी कि नहीं? हाँ, हाँ, हाँ। तुम्हारे चैनल ने ब्रेक की है स्टोरी, सुबह से इधर कमिश्नर साहब उधर दत्तू भाई दोनों जान खा रहे। चल चल चल, दत्तू भाई ने बुलाए, चल जल्दी। ऐसा मत कीजिए, देखिए हम बर्बाद हो जाएंगे माले साहब। हमारी बहन की शादी अगर आपके बेटे आर्यमन से नहीं हुई तो हम समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे माले साहब। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए, अब तो शादी के कार्ड भी बढ़ चुके हैं। तो हम क्या करें? अपनी बहन को किसी और के गले बांध दो। भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। मैं आपके सामने घुटने टेकता हूँ। नहीं भैया, मत कीजिए ऐसा। मेरे लिए आपको इनके सामने घुटने टेकने की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी आपको आर्थराइटिस है ना। बेटी मेरे से साल भर मारते रहे साले को। और चावले साहब क्या है? एकदम एकदम टाइम पे अक्षय क्या हाल है? चाय पिला। ए चावले साहब, अभी एकाएक एक दिन ख्याल आया, अपना अक्की जो है अक्षय 47 साल का हो जाएगा तो मालूम दुनिया क्या बुलाएगी। क्या बुलाएगी? बोलने के 47। चल भाई को बुलाता हूँ। मॉम डैड, मैंने ये फैसला कर लिया है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ अनन्या से। लेकिन मैं आर्यमन से शादी नहीं कर सकती। हाँ भैया, क्योंकि इसके पीछे एक गहरा राज है। मैं आर्यमन के छोटे भाई सूर्यमन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वो लोग आ गए, मिलने की हालत में है। बिटा बिटा बिठाता हूँ। भाई बालाजी बज रहा है। हेलो दत्तू भाई। हाँ साक्षी जी। हाँ क्या दत्तू भाई, 4 एपिसोड से 16 एपिसोड हो गए हैं, बालाजी वालों ने अभी तक मेरा चेहरा पैंडेज के पीछे रखा है। अरे साक्षी जी, टेंशन नहीं लेने का। दत्तू सैटेलाइट ने आपको जवान दिया है। जब भी बैंडेज खुलेगा उसके पीछे सिर्फ आपका ही चेहरा होगा। आई ट्रस्ट यू दत्तू भाई, यू आर सो स्वीट, यू नो। थैंक यू सो मच। टेक केयर बेबी। बेबी ए जावले, अक्की सब ठीक ना? नमस्ते भाई। कोई चाय भाई? ठंडा नहीं भाई। ए जावले। हाँ भाई। भैया वो
सॉरी। एक मिनट। इसकी शादी फिक्स हो गई है, मालूम है क्या? आने वाली 30 तारीख को। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ए जावले, ये सी कंपनी का कुछ पता चला क्या? नहीं भाई, सुबह से बस इसी के पीछे लगा हूं। मेरे नेटवर्क में जितने भी खबरी है सबको कांटेक्ट किया मैंने, लेकिन कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली। मेरे को भी भाई, नो न्यूज। लेकिन मेरे को लगता है जो भी सी कंपनी के पीछे है पुराना चावल है। पुराना नहीं बे, पुराना होता तो अब तक पककर खुशबू फैल जाता। कोई नया आया मार्केट में, ठोक दे। ठोक दो? नहीं भाई नहीं, आप उनके पास ध्यान भी दोगे ना तो उनकी इज्जत बढ़ेगी। भाई ऐसे गुंडे तो हिमेश के गाने की तरह है, हर दो दिन में मार्केट में आते ही रहते हैं। आप तो रहमान की तरह भाई, एवरग्रीन। और भाई ऐसे छोटे मोटे चिंदी चोर गुंडे तो ऐसे ही चिंदी चोर गुंडे आगे जाकर बड़े हो जाते हैं। मैं तो बोलता हूँ भाई, इनके पर निकलने से पहले डाल देते सालों को। जाओ ले, ठीक कह रहे ले। पता लगा कौन है, सालों को उनके एरिया में जाकर ठोक दे। हाय बेब्स। शायद आपको पता नहीं कि मेरी शादी तय हो गई है और मैंने पराए मर्दों से मिलना बंद कर दिया है। Just came here to tell you that. Big. पैसों का इंतजाम हो गया है। I swear. वापस कहो। पैसों का इंतजाम हो गया है। प्रिया, प्रिया, behave yourself. सब लोग देख रहे हैं। तो? क्या यार? सर कोक। कोक नहीं? डाइट कोक। What are you doing, प्रिया? लोग हैं। Sir, 148. ये लो भैया, ये लीजिए। अरे जोशिया। अरे प्रधान। चाय जितनी विटामिन की गोलियां खा ले, 61 से 16 होने वाला नहीं है तू, ऊपर तो जाना ही है। हाँ, लेकिन ऊपर जाने के बाद की डील याद है ना? फिर क्या, रम्मा मेरी उर्वशी तेरी। वो ऊपर जाकर अगर स्वर्ग नसीब हुआ तो। प्रधान। जोशिया, मेरे हिस्से का नरक इधर ही भोग रहा हूं मैं। भगवान इतना भी निर्दयी नहीं है रे। बात क्या है? अब तो ऐसा लग रहा है कि हम सबको ये चाल खाली करनी होगी। कोर्ट कचहरी पुलिस मोर्चा सब हो गया, लेकिन आम आदमी की सुनता कौन है? हम जैसे लोग इनका तिनका जमा करके अपना घर बनाते हैं रे। हमेशा ट्रेनों और बसों में लटकने वाली हमारी जिंदगियों को अपनी इस 280 स्क्वायर फीट की खोली में चैन मिलता है। अब कोई पटेल नाम का बिल्डर अंडरवर्ल्ड की मदद लेकर बुलडोजर चलाना चाहते हैं हमारी जिंदगी ऊपर, ताकि वो यहाँ एक शॉपिंग मॉल खड़ा कर सके। नीते जी, देखा नहीं जाएगा रे चोचा, देखा नहीं जाएगा। कभी कभी लगता है अपना हक मांग कर नहीं, छीन कर ही लेना चाहिए। किसी गैंगस्टर या कंपनी से जान पहचान होती ना तो आज ये नौबत नहीं आती। एक फोन पे मामला सुलझ जाता, एक फोन पे। सोचा, एक फोन पे। पिछले 30 साल में प्रधान को मैंने कभी इतना हताश नहीं देखा। और मैं कहता हूं कि कंपनी तो बना चुके ना, एक फोन करेंगे तो एक तीर दो शिकार। लेकिन काका, अक्की को पता चला ना? अरे तो हम बताएंगे तब पता चलेगा ना, एक फोन ही तो करना है ना यार। पटेल बिल्डर एक फोन करने से मानने वाला नहीं है, उससे अगर काम निकालना है तो एक और डीवीडी बनाना पड़ेगा। आई एम रेडी। डीवीडी बना बना के लाइब्रेरी खोलोगे क्या? पुरुषोत्तम और पटेल में फर्क है, पेपर में नहीं पढ़ा आपने? अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है उसके, कुछ और प्लान करना पड़ेगा।
अरे वो राधा भाई चाल का काम शुरू करना है। अरे अर्जेंट है, बोला था ना तेरे को, देर किया तो गड़बड़ हो जाएगी। समझता नहीं बात को, चल। ओके सर। अरे तेरे को नौकरी दिया मैंने, समझा इडियट। हेलो काका, पटेल निकल चुका है। आप जैसा प्लान किया है वैसा करना। पहला फोन 10 मिनट के बाद करना और दूसरा आधे घंटे के बाद करना, समझ गए? और काका जरा जमा कर, पूरे प्रोफेशनल लगने चाहिए हम लोग। हेलो, ए रेती सीमेंट, सी कंपनी से बोल रहा हूँ। सी कंपनी? ध्यान से सुन, नहीं तो मिट्टी में मिला दूंगा। मेरे को रख देता है कंपनी के है? अरे फोन बंद कर वरना तू जाता नहीं है। एक इतना उछल मत, मैं आधे घंटे बाद फिर फोन करूंगा। पहले तू अपनी जान बचा ले, तेरी गाड़ी के नीचे बॉम्ब है। बॉम्ब? अरे अरे किधर? अरे ड्राइवर साइड करो, साइड पे लो, जल्दी साइड करो। अरे अरे मेरे सीट के नीचे तो नहीं है? अरे जल्दी करो, जल्दी। अरे तत्तू भाई, कोई सी कंपनी ने मेरे गाड़ी के नीचे बॉम्ब रख दिया है। ये भी नहीं मालूम कि किस मैटर में। अब जरा देखो ना, अभी तो मैं बच गया था। तू भाई बोला है कि आधे घंटे में फिर फोन करेगा। ए पटेल, 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 टेंशन नहीं लेने का। अच्छा। सिर्फ मुझे इतना बता, फोन कहाँ से आया था? जी तू भाई, बाकी मैं देखता है। भाई साहब टाइम क्या हुआ है? टाइम 12:35। हाँ, अच्छा अच्छा। चलो चलो, कम ऑन, हरी अप। क्या तुलसकर साहब, क्या मच मचाए साहब? अच्छी बोझिया तू, क्या बोल रहा है? क्या आपके राज में गाड़ी के नीचे बॉम्ब लगा रहे? कोई टेररिस्ट ग्रुप है क्या? अलकायदा ने फिर कोई कायदा तोड़ा क्या? अरे नहीं यार, अंडरवर्ल्ड वालों का काम है। क्या बात कर रहे हो, कंपनी के लोगों ने बॉम्ब लगाया? ये लेवल पे पहुंच गए आजकल हम? अरे देखना, वैसे ये लोग है कौन? सी कंपनी करके है कोई। अरे तलापाटी के, चल चल तलापाटी के। सी कंपनी? हाँ, नए नए आए, बहुत नाम कमा लिया वो लोग ने। ठोक देना चाहिए सालों को। अरे टिकट दबा देना, ये जरा पार्टी लक्ष्य दे। तुलसकर साहब मैं भी आया। हाँ हाँ, टिकट बक, टिकट बक। बम लगाने की इस घटना में सी कंपनी नामक एक गैंग का हाथ है। आपको याद होगा कि ये वही सी कंपनी है जिसने शहर में अपनी दहशत फैलाने के लिए कुछ ही हफ्ते पहले कत्ल की डीवीडी भी बनाई थी। ठीक है ना? तुम लोग संभाल लेना, मैं भी आता हूँ। हाँ दत्तू भाई, फोन टैप हो चुका है। बस निकल रहा हूँ, तू वहाँ पहुँच, मैं अभी पहुँचता हूँ। ज्यादा बंदे चल। पटेल साहब, आपके साथ किसी ने मजाक किया है क्या? सुतली बम। हेलो। हाँ, इसे मजाक मत समझना पटेल साहब, मेरा मतलब साले, हमें बस यही दिखाना था कि अगर आज हम तेरी गाड़ी के नीचे सुतली बॉम्ब लगा सकते हैं तो कल RTX लगाना मुश्किल नहीं है। राधा बाई चाल के पेपर लौटा दे और मैटर से बाहर निकल। 2 दिन का टाइम है तेरे पास।
सेकंड पेपर नहीं दिए तो टीवी पर अगला डीवीडी तेरा होगा। ध्यान से सोच ले, अभी वापस समझाने को फोन नहीं करूंगा। अब इसको क्या ठोके, इसकी एक्सपायरी डेट तो वैसे ही निकल गई है। ए, तमीज से बात कर, ये कोई और लग रहे ले। हाँ भाई, ये नहीं हो सकता, ये अंकल को तो मैंने अक्षय के घर देखा है। काका, इससे पहले यहाँ किसी को फोन करते देखा है? लगता है हाथ से निकल गया। आराम से काका, कोई टेंशन नहीं लेने का, आराम से काका, आराम से। हाँ एकदम, कोई टेंशन नहीं लेने का। लंबी लंबी सांसें लो, लंबी लंबी सांसें लो। ए मोटे, हाँ भाई, चल बैग उठा और काली पीली बुला, चल टैक्सी, चल। भाई ये पर्ची, काका आपकी पर्ची। काका ये आपकी पर्ची गिर गई थी। दवाई की पर्ची, एक्सपायर होने के पहले खा लेना। आओ छोड़ देते हैं। रुक बे, बैड लक बहुत खराब था दादा, इतनी फील्डिंग लगाई थी साले। जावले, आज अगर साले ये सी कंपनी वाले हाथ लगते ना तो आज ही ठोक डालते। बिल्कुल, इस धरती पर उनका रिपीट टेलीकास्ट कंफर्म।